मुकाबला रखते हैं इफ्तारी पार्टी में कि अब आप मुकाबला करिए, तो जिसकी एक्चुअल शायरी होती है वो तो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। अब क्या होगी? वो लोग बैठे, टी-शर्ट रखना। सिर्फ सच और झूठ का पता लगाने के लिए है। संतोष, सबसे पहले तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? सब इफ्तार करने बैठे हुए हैं आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली अभी हमारा केस ये चल रहा है कि किसी ने किसी की शायरी जो है वो चुरा ली है, तो अभी क्लाइमैक्स पे आ गए हैं कि हम मुकाबला रखते हैं इफ्तारी पार्टी में कि अब आप मुकाबला करिए। तो जिसकी एक्चुअल शायरी होती है वो तो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, और जिसकी नहीं होती है वो पढ़ पढ़ के, देख देख के, अटक अटक के बोल रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सच है और कौन झूठ। तो क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? जिसकी शायरी है, जिसकी चुराई होती है, वही जीत रहे हैं। बताइए क्या लगता है आपको? सॉरी, लेकिन ब्यूटी आ गई हमारी फ्रेम में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप दोनों इस लुक के बारे में बताइए। हाँ हाँ, आज इफ्तारी पार्टी है हमारी यहाँ पे, तो अलग लगेंगे ही ना, सुंदर तो दिखना ही है। वैसे तो हम सुंदर हैं, बट और जैसे ही अलग गेटअप आ जाता है तो और हमारी ब्यूटी जो है एनहांस हो जाती है। देखिए, गुलदस्ता है, पूरा बगीचा है। आपने तो पुष्पा जी को बता दिया। पुष्पा जी, आज संतोष ने भी कुछ एक अलग अंदाज में नजर आ रही है, कुछ बताइए इनके बारे में। संतोष कुछ भी पहनती है वो अच्छे से कैरी करती है, इसलिए वो हमेशा अलग अंदाज में दिखती है, और वो हमेशा प्यारी दिखती है। मैं ही कभी कभार प्यारी लगती हूँ, इसलिए आज मेरी बहुत तारीफ हो रही है। आज तो पुष्पा जी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा जी, वैसे इस अलग तरीके के अंदाज को, अलग तरीके के गेटअप को कितना एंजॉय करती हैं? अरे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, बस एक घंटा हमें मजा आता है, लेकिन उसके बाद यूनिफॉर्म की याद नहीं। नहीं, बट तारीफ करते तो लोग और थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। अभी जैसे आपने तारीफ की ना, एक घंटा और पहन लूंगी उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म की इतनी आदत पड़ चुकी है ना, इतना कम्फर्ट है उसमें, तो फिर साड़ी वाड़ी कुछ अलग होता है ना, अलग हर चीज़ें संभालनी पड़ती है ना, तो फिर वो अब हमारी आदत जाते हैं। ओके करिश्मा, सबसे पहले तो इफ्तार पार्टी चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो एक हमेशा हमारे मैडम सर के सेट पे जो भी केस आते हैं वो एक यूनिक तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ये भी एक यूनिक तरीका है, इफ्तार पार्टी रखी है, शायराना अंदाज़ है आज सेट पे, और आज हमें कपड़े भी वैसे ही दिए हैं, और ये सिर्फ सच और झूठ का पता लगाने के लिए है, तो देखते हैं कि सच और झूठ का पता चलता है कि नहीं।